बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ हर एक युवा ब्लड डोनेट करे, हर युवा ब्लड डोनेट। बिल्कुल जी, ये देखिए भाई, युवा ब्लड डोनेट करके आए थे। नहीं कमा, सरकार भी नहीं बना सकती, कोई भी साइंटिस्ट कोई वैज्ञानिक एक बूंद रक्त की पैदा नहीं कर सकता, ये तो दान ही दिया जाएगा, इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया। ये रक्तदान जो भी करेगा मुझे बहुत अच्छा रहेगा। और नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएन हरियाणा। इस समय मौजूद हैं हम गांव लजवाड़ा में, जहां पर अम्बेडकर समिति है इसके द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, रक्तदान शिविर लगाया गया। भीमराव अम्बेडकर के जन्म महोत्सव पर यहां पर लजवाड़ा के अंदर ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया। साफ हिदायत भी लिखी गई है यहां पर, रक्तदान महादान, दो गज की दूरी, मास्क है जरूरी। ये देखिए यहां पर इस समय बाबा संजीव योगीनाथ द्वारा दीप प्रज्वलित कर इस रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया गया। इस रक्तदान शिविर में सतीश पहलवान व गांव के सरपंच शैणी ने भाग लिया, रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया। बाबा जी ने बैच लगाकर अच्छी खासी संख्या में युवा उमड़े हैं ब्लड डोनेशन करने के लिए रक्तदान शिविर में। यहां पर देखिए रक्तदाताओं की लाइन लगी हुई है, हम आपको दिखाएंगे अंदर का दृश्य भी, जहां पर रक्तदाता इस समय रक्तदान कर रहे हैं। ये देखिए युवा इस समय पहुंचे हैं जो लजवाड़ा गांव में, ये देखिए युवा रक्तदान करते हुए यहाँ लजवाड़ा गांव में। ये देखिए युवाओं के अंदर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, बाहर लंबी लाइन लगी हुई है रक्तदान करने के लिए जो रक्तदाता पहुंचे हैं। कोरोना जैसी महामारी के मध्य रक्तदान करने के लिए युवाओं के अंदर बहुत ज़्यादा उत्साह है, आप देख पा रहे हैं डीएन हरियाणा के माध्यम से। और ये खानपुर पीजीआई से आज ये टीम यहाँ पहुँची है। गांव के सरपंच व जिला पार्षद सतीश पहलवान द्वारा व शैणी साहब द्वारा बैच लगा जा रहा है रक्तदाताओं को। रजवाड़ा गांव में आज रक्तदान शिविर लगाया गया था, हिदायत भी साफ लिखी गई है, दो गज की दूरी और मास्क है जरूरी। ये देखिए गांव के गणमान्य व्यक्ति भी यहां पर पहुंचे थे और रक्तदाता यहां पर लगातार रक्तदान कर रही है। ये देखिए उत्साह देखने से ही बनता है, यहाँ पर रक्तदाता रक्तदान कर रहे हैं। ये देखिए भाई साहब कौन सा काम था यहाँ का, क्या नाम है आपका, क्या भाई, राम मेरे, देखिए भाई ये राम मेरे थे, आपका भाई साहब राम राम महाराज जी। आज लजवाड़ा गांव में पहुंचे आप, भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी के द्वारा रक्तदान शिविर लगाया गया है, इस पर आपका क्या कहना है। देखो जी ऐसे ऐसे प्रोग्राम तो हो जाने चाहिए, एक तो आज जो है वैसे ये भीमराव अंबेडकर जी जो वैसे प्रेरणा स्रोत थे, हमारे संविधान के रचयिता थे जी। और ये रक्तदान शिविर की बात, रक्तदान महादान है, रक्तदान शिविर का आयोजन बार बार होता रहे, क्योंकि इंसान पैसा धन हर चीज कमा सकता है जी। लेकिन एक बूंद रक्त नहीं कमा, सरकार भी नहीं बना सकती, कोई भी साइंटिस्ट कोई वैज्ञानिक एक बूंद रक्त की पैदा नहीं कर सकता, ये तो दान ही दिया जाएगा, इसलिए रक्तदान को महादान कहा गया। ये रक्तदान जो भी करेगा मुझे बहुत अच्छा रहेगा, और जो है परमात्मा से सद्बुद्धि दे, उसके परिवार में तरक्की दे, हमारी यही काम है जी। सरपंच साहब आपको कैसा लगा कि गांव की जो भीमराव अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा आज कैंप लगाया गया है, रक्तदान शिविर लगाया गया, इस पर आपका क्या कहना है। ये बहुत अच्छा काम किया है, हमारे गांव के युवाओं ने, पहले भी कई बार युवाओं का इस तरह सहयोग होता रहा है रक्तदान के लिए। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी सारे देश में जय जयकार हो रही है, ये भाई अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे साथ है जिला पार्षद हैं सतीश पहलवान जी। पहलवान जी नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। पहलवान जी अच्छा खासा स्वागत किया गया गांव में, रक्तदान शिविर लगाया गया गांव के युवाओं द्वारा, आप भी एक युवा ही हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे। देखो युवाओं के अंदर जाकर कोई युवा हो जाता है जी, और आज तो विशेष तौर पे आज बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 130वीं जयंती है, जिन्होंने एक दबे कुचले समाज को ऊपर उठाने के लिए मतलब बहुत सामाजिक अपना पूरा बलिदान दिया है, और उन्होंने हमारे देश में जो भी सारी व्यवस्था जो लागू है वो संविधान निर्माता जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष भी थे, उन महापुरुष के आज जन्मदिवस के अवसर पर जो युवाओं ने कदम उठाया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है, और हमें बहुत खुशी है कि गांव के नौजवान
ऐसा ही कार्य करते रहे और महापुरुषों से प्रेरणा लेते रहे। ये देखिए उन्होंने बताया कि गांव के युवा जो बधाई के पात्र हैं इसके लिए, और ये देखिए ब्लड डोनेशन कैंप लगाया, इसका दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। पीएमआई कानपुर पीजीआई से तो यहाँ पर पहुंची है। इस तरह की जानकारी के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। ये भी समिति के सदस्य होंगे तरीन, थोड़े नून कर ले यार, इनका के कोर्ट से चलो बदाम चले जाओ सारे। हो गया भाई, बल डोनेट करके आए युवा से, जानते हुए इनको कैसा लग रहा है? नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। कौन सी बार बल डोनेट किया आपकी बार? मैंने चौथी बार बल डोनेट किया। तो कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, सभी साथियों को बढ़ चढ़ के मतलब बल डोनेट करना चाहिए और कार्यक्रम को मतलब बढ़ाना चाहिए। आपका गाँव? यही गाँव है, लजवाड़ा गाँव का था भाई ये। भाई बल डोनेट करके बहुत खुशी महसूस कर रहा है, और ये साथियों को बढ़ चढ़ कर बल डोनेट करना चाहिए भाई। आप भी बल डोनेट करके आए हैं, आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है। मैं चाहता हूँ हर एक युवा ब्लड डोनेट करे, हर युवा ब्लड डोनेट। बिल्कुल जी। ये देखिए भाई, युवा ब्लड डोनेट करके आए थे। इसी तरह की जानकारी के लिए आप बने रहिए डीएन हरियाणा के साथ। डीएन हरियाणा के लिए मैं दिनेश जुलानिया, गांव लजवाड़ा से।